हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब के चैनल पे स्वागत है। बैंक ऑफ बड़ौदा में जो नया रिक्रूटमेंट नोटिस जारी हुआ है, जिसकी जो आप ऑनलाइन जब अप्लाई कर सकते हैं वो आज ही तारीख है। उसका जो लिंक है हम नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डाल देंगे, वहाँ पे क्लिक करके इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके क्लिक कर सकते हैं। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आप वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो उसकी जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर की जो पोस्टें निकली हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर इन बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके बाद जो इसकी जो अप्लाई करने जो स्टार्टिंग डेट है आज की है 22/6/2022। उसके बाद जो आपकी आखिरी तारीख है जब तक आप अप्लाई कर सकते हैं 12/7/2022। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो पोस्टें निकली हैं, सबसे पहले आगे फर्दर इंस्ट्रक्शंस हैं। नेक्स्ट देखिए, जो हमारी पोस्टें निकली हैं ये हमारी हैं, इसमें जो कैटेगरी वाइज इन्होंने सभी जो पोस्टें बांट रखी हैं आप देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले रिलेशनशिप मैनेजर, उसके बाद है कॉरपोरेट क्रेडिट। नेक्स्ट देखिए जो क्रेडिट एनालिसिस, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट वो देखिए कॉरपोरेट इंस्टेंट क्रेडिट। तो ये हैं आपकी जो पोस्टें निकली हैं चार में। उसके बाद जो ग्रेड पे स्केल है आप देख सकते हैं, इसमें जो वैकेंसीज हैं जो 75, 100, 100 और 50। उसके बाद जो एज है आप देखिए, जो सबसे पहले है 35 से 42 है रिलेशनशिप मैनेजर, जो आपके कॉरपोरेट एंड इंस्टा क्रेडिट उसमें है 28 से 35। नेक्स्ट देखिए, इधर आइए आप तीसरे पॉइंट और चौथे पॉइंट पे, इधर है 28 से 35 और नेक्स्ट है 25 से 30। उसके बाद जो आती है एजुकेशन, जो मैंडेटरी चाहिए आपको, पक्की ही चाहिए चाहिए जो आपको किया आपने किया हो। देखिए, ग्रेजुएशन इन 9 डिसिप्लिन, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा विद स्पेशलाइजेशन फाइनेंस और मिनिमम 1 ईयर कोर्स। नेक्स्ट देखिए, प्रेफर्ड क्या है, CA, CFA, CS, CMA। उसके बाद जो ग्रेजुएशन आती है आपकी क्रेडिट एनालिस्ट में, इसमें देखिए आप ग्रेजुएशन इन 9 डिसिप्लिन, पोस्ट ग्रेजुएशन विद स्पेशलिस्ट इन, एक मिनट इरेज कर दें, इन फाइनेंस और CA, CMA, CS, CFA। नेक्स्ट देखिए जो आखिरी है, उसके बाद देखिए ग्रेजुएशन इन 9 डिसिप्लिन एंड CA, और जो इसमें एक्सपीरियंस चाहिए आपको, एक्सपीरियंस मिनिमम 10 ईयर्स, इसमें 5 ईयर्स, उसमें 5 ईयर्स, और प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द हैविंग वर्क एक्सपीरियंस इन पब्लिक प्राइवेट फॉरन बैंक्स इन द जो इन द क्रेडिट जो आगे फर्दर आपकी इंस्ट्रक्शन है। ये रही चार, इसके आगे जो फर्दर इन्होंने जो आगे कैटेगरी वाइज इन्होंने बांट रखा है, जिसमें आपने जैसे पहले देख सकते हैं प्राइवेट फॉरन बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट देखिए पब्लिक प्राइवेट, जो इसके साथ एक्सपीरियंस है। उसके बाद जो आप कैटेगरी वाइज जो पोस्ट देख सकते हैं, इनमें टोटल जो आपकी दी गई हैं SC, ST, OBC, उसके बाद जो है आपकी EWS, UR, टोटल ये रहा। उसके बाद ये आपकी आउट ऑफ बीच जो जिनमें है, जो आपका नेक्स्ट है प्ले स्केल फर्दर जो एनरोलमेंट्स के साथ। ये हमारा डिटेल नोटिफिकेशन है जो बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से जारी हुआ है। अगर आप यही देखना चाहते हैं, इसके आगे भी कुछ फर्दर पेजेस होंगे जब हम इसके बाद, तो वो हम टेलीग्राम के चैनल अपने RS लर्नर्स पे डालेंगे, तो आप वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो देखिए, इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी आपको पीछे जो है एज बता दी है और क्वालिफिकेशन बता दी है। क्वालिफिकेशन इसके साथ जो इन्होंने क्या लिखा है आप देखिए, कैंडिडेट्स इंटेंडिंग टू अप्लाई फॉर द सेट पोस्ट टू द सेट पोस्ट इंश्योर दे फुलफिल द मिनिमम एलिजिबिलिटी स्पेसिफाइड, जो भी इन्होंने बताया। आगे नोट्स हैं, फर्दर इंस्ट्रक्शन है, आपने अच्छे से पढ़नी है फॉर्म फिल करने से पहले। नेक्स्ट देखिए, जो आपकी सिटीजनशिप जो नेशनैलिटी है वो कब तक है, 1/6/2022 तक। जो आपकी आगे रिलैक्सेशन मिलती है एज वाइज, जो कैटेगरी वाइज आप जो भी सिलेक्ट करेंगे इसमें इन्होंने दिया है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जो रिजर्वेशन है जो बैंक मार्क्स की जो आपके हैं डिसेबिलिटीज के रिगार्डिंग। उसके बाद सभी आगे फर्दर इंस्ट्रक्शंस हैं, जो आपका मेन चीज आ गई, आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, ऑनलाइन टेस्ट जिसमें आपके एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा। रीजनिंग है, इंग्लिश लैंग्वेज है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, प्रोफेशनल लैंग्वेज है, प्रोफेशनल नॉलेज है। इसमें क्या है 25, 25, 25 और जो प्रोफेशनल नॉलेज है 75 की। तो टोटल आपका कितने का हो गया जी, 150, और इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 150 रहेंगे, और इसमें जो आपके मार्क्स रहेंगे 25, 25, 25 और जो प्रोफेशनल है उसमें है 150, तो टोटल आपका 225 का। ये बायलैंग्वल है, इंग्लिश साथ में जो भी आपके सिलेक्ट करोगे उसमें। तो इसमें जो आपका टाइम है वो है आपका टाइम 150 मिनट्स जो आपके दिए जाएंगे पेपर करने के लिए। नेक्स्ट देखिए आगे, जो GD के रिगार्डिंग जो फर्दर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स जो भी आपको चाहिए होंगे फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस के बाद, जब आपका नाम आ जाएगा उसके बाद, तो उसके बाद देखिए आप जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं
ए से लेके जे तक तो आप बीच में मिक्स हैं जे अल्फाबेटिकली, जैसे हमारा अहमदाबाद, बेंगलोर, बरेली, बड़ौदा, ऐसे सारे हैं। तो आप जिस भी एलिजिबल हैं, जहाँ आप जहाँ पर आपको ठीक लगे, आप वो जिस भी एरिया के हिसाब से आपको सेलेक्ट करना होगा जो आप करेंगे वो। उसके बाद जो एप्लीकेशन, जो आपके फ़ीस चार्जेस हैं वो आपके क्या रहेंगे, देखिए जो आपकी एस सी एस टी पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी वुमेन उनके लिए 100 रुपीज़, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए है 600 रुपया, प्लस एप्लीकेबल दोनों के लिए टैक्सेस एंड पेमेंट गेटवे चार्जेस। उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट, जो आपकी मोड ऑफ पेमेंट रहेगी ऑनलाइन मोड है आपका। नेक्स्ट देखिए कि फर्दर इंस्ट्रक्शन से पढ़िएगा। अप्लाई करने की जो आपका तरीका है क्या है, इनमें उन्होंने बताया है सब कुछ जैसे आपने अप्लाई करना है। इसका जो लिंक है हम ऑफिशियल वेबसाइट का ये वाला लिंक नीचे डाल देंगे, हम ना अप्लाई करना तो आप वहाँ पर जाके अप्लाई कर सकते हैं और नोटिफिकेशन वहाँ पर भी जाके पढ़ सकते हैं। और आगे जो एडमिट कार्ड की जो कॉल लेटर, इसके रिगार्डिंग जो आपकी इंस्ट्रक्शन है जहाँ पर आप देख सकते हैं, जो भी SMS जो भी आपको आएगा ईमेल आईडी पे ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ये उसके रिगार्डिंग है सारा। उसके बाद देखिए जो आपकी बायोमेट्रिक कैप्चरिंग, ये आपका जब होगा राइट हैंड थंब इंप्रेशन इन द कैंडिडेट्स ऑन द डे ऑफ जब आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, ये सभी दिया हुआ है उन्होंने। बिफोर द एग्जामिनेशन इट विल बी कैप्चर्ड, जो भी आपने फर्दर इंस्ट्रक्शन ये सारी ये आपकी हैं गिल्टी और मिसकंडक्ट के, अगर कोई भी गलत तरीके से या कोई भी यूज़ करता है कोई भी तरीका ऑनलाइन एग्जाम के तरीके में, जैसे को कुछ भी जो इन्होंने लिखा हुआ अगर आप यूज़ करते हैं, अगर मना किया हुआ तो। तो ये था हमारा जो डिटेल नोटिफिकेशन, इसके रिगार्डिंग बैंक ऑफ बड़ौदा जो SO की जो पोस्ट है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर की जो पोस्ट निकली थी, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक बात, अब जो भी हमारे कैंडिडेट स्टूडेंट्स जहाँ नए आए हैं हमारे यूट्यूब पे चैनल पे, जो रेगुलरली देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो कुछ भी मिस नहीं करना चाहते जो हम एग्जाम्स की प्रेपरेशन करवा रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में हैं जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं कम्पिटिटिव की, तो वो भी इससे देखें, अलर्ट हो जाएँ, और अगर वो एलिजिबल हैं तो वो भी फॉर्म फिल कर पाएँ। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।